वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि, प्लास्टिक से बनाया 18 कैरेट का सोना। दुनिया में जिस तरह तेजी से प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब यह पर्यावरण को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। हालांकि कई जगहों पर प्लास्टिक से ईंधन और सड़कें बनाने के सफल प्रयोग हुए हैं। अब एक बार फिर वैज्ञानिकों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक के जरिए 18 कैरेट का सोना बनाया है। यह दुनिया में पहली बार है जब प्लास्टिक से सोना बनाया गया है। स्विस विश्वविद्यालय ETH ज्यूरिख के वैज्ञानिक राफेल मेजेंदा के मुताबिक, सोने का यह नया रूप पारंपरिक 18 कैरेट के सोने से लगभग 10 गुना हल्का है। चूंकि आम तौर पर सोने के पारंपरिक मिश्रण में 3/4 सोना और 1/4 तांबा होता है, जिसका घनत्व लगभग 15 ग्राम से मीडी होता है, लेकिन प्लास्टिक से बने इस सोने का घनत्व महज 1.7 ग्राम से मीडी है। वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक के जरिए बने इस सोने को बनाने के लिए सोने के नैनो क्रिस्टल, प्रोटीन फाइबर और पानी और नमक के साथ एक पॉलीमर लेटेक्स का घोल तैयार किया। इस घोल को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उच्च दबाव से प्रवाहित कर इसे ठोस आकार में बदला गया। सोने का यह नया रूप वजन में काफी हल्का है और इसकी चमक भी बिल्कुल असली सोने जैसी है, जिसे आसानी से पॉलिश किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, हल्का होने की वजह से यह सोने की घड़ियों और ज्वेलरी के रूप में काफी लोकप्रिय होगा। इस शोध को साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं ने इसे बनाने की प्रक्रिया और सामग्री दोनों के लिए पेटेंट का आवेदन कर दिया है।